हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संचित एंड यू वाचिंग सिंग ऑन व्हील्स। और ये है विंटर स्पिरी राइड का एपिसोड 3। मेरे साथ है मेहर भाई और शशांक भाई। कल हम पहुंचे थे रेकोंगपियो और आज की जर्नी हमारी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। और ऐसा फील हो रहा है कि आज से मेन एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो इतना एडवेंचर नहीं था, बट आज से स्टार्ट होगा। और अब ये चीज़ चेक करो, पहले सुबह सुबह उठे और व्यू मिलाना, भाई साहब मजा आ गया, गजब एक नंबर। और ये सारा कल रात पूरा साफ था। सुबह सुबह उठे ना तो पूरा ऐसे व्हाइट एकदम दिख रहा। हमने कहा भाई साहब गजब की ठंड हो रही है, एक तो मजा आ गया। अभी वॉशरूम होके आया, हाथ धो के आया, हाथ ऐसे फ्रीज हो गया। ये हाथ में रखा हाँ पर आए से फोन पकड़ा हुआ है। तो अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं निकलना भी। अभी टाइम क्या हो गया, 7:15। वैसे आपने बोला कल एडवेंचर यूनिवर्सिटी शांत भाई के लिए तो हो गया, और हाँ उनके लिए तो हो गया, उसके लिए एडवेंचर स्टार्ट हो गया। वैसे मेरे लिए भी था गया, तो मैं पहले वहीं से था। बाकी चलो अभी फटाफट से तैयार होते हैं और कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी निकल जाए। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। फाइनली इट्स टाइम टू लीव। ऑलमोस्ट 9:15 हो गया टाइम। और आज मैंने टैंग बैग को ना उल्टा लगाया, क्योंकि जो स्ट्रैप्स है ना आगे की तरफ रहेंगे तो बैग पीछे को नहीं आएगा। अदरवाइज ऑफ रोड आता है, सैडलिंग करता हूँ ना, तो ये स्ट्रैप जो है ये वाला, इससे टैंग बैग आगे से बनता है। या तो ये बहुत ढीला हो जाता है और बहुत टाइट करो तो क्लिप भी निकल आता है, बैग पीछे लटक जाता है। तो आज ये बैग ज़रा पीछे आएगा नहीं, यहीं तक रहेगा, तो ये बेस्ट चीज़ है। ऑफ रोडिंग में दिक्कत नहीं होगी कहीं भी होगी तो। वाह वाह वाह, क्या सड़कें हैं और क्या नज़ारे हैं भाई साहब, एक टम्पर खतरनाक यार, मज़ा आ गया। देखो यार चारों तरफ देखो, और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे मानसून पे राइड करने के लिए क्यों लोग रिकमेंड नहीं करते। कल भी जब किन्नौर से आ रहे थे ना, तो भाई बहुत कच्चे पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, तो वही है मानसून में कुछ भी हो सकता है। मेरा भी साल पहले प्लान बना था जुलाई में लद्दाख, जब लद्दाख गया था तो मेरा पहले स्पीति का ही प्लान बन रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से पहले स्पीति करना चाहता था। बट देन किन्नौर में काफ़ी मेजर लैंडस्लाइड वगैरह हो गई थी, तो घर वालों ने कहा बेटा हमें तू ज़्यादा प्यारा है, कोई बात नहीं बाद में चले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। सही में भाई कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है यार ये सब ना, लद्दाख और स्पीति ना टोटली डिफरेंट फीलिंग था, टोटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। और ये देखो हमें क्या दिखा, क्या बात है भाई साहब, बहुत ही मस्त लग रहा है यार। एक्साइटमेंट लेवल ना यहाँ से यहाँ हो गया, सही बता रहा हूँ। गजब। अब यहाँ पे लेते हैं एक फोटो और फिर चलेंगे आगे। ऐसा है हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, वैसे तो बादल बने हुए हैं और आज लगता नहीं है कि सूरज देवता निकलेंगे। हम लोग सुबह से कर चुके हैं लगभग 18 किलोमीटर रिकोंगपियो से, और हम लोगों ने एक गलती करी, हम लोग ऊपर रिकोंगपियो जाके रुके, क्योंकि दो रास्ते कट रहे थे, वन वॉज गोइंग टू वर्ड रिकोंगपियो एंड पू, और दूसरा जा रहा था ताबो काजा की तरफ। तो हमें लगा रिकोंगपियो से पू को निकलेंगे तो वहीं से जाते हैं, बट फिर वहाँ पता किया तो पता चला कि ये वाला रास्ता बेटर है, दिस इज द NH, और दूसरी वाली सड़क थोड़ी छोटी है, टूटी फूटी हो सकती है। तो जैसा लोकल से बोला हम इधर से आ गए, एंड रोड तो सही में वाकई भाई काबिल तारीफ है, जो भी एक काम किया गया ना यहाँ पे। मेरा GoPro हैंग हो गया था और फटाफट से हम लोग रुके यहाँ पे, क्योंकि हमें दिखा कुछ ऐसा नज़ारा। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और हम निकाल लेते हैं, और हेलो ये देखो नाइट वॉकर। अरे उन्होंने वीडियो बनाई है, फोटो ले दो, आ जाओ। सो रिकोंगपियो से किए हमने 18 किलोमीटर, और ये देखो भाई साहब ये यहाँ अब बारिश थोड़ी तेज हो गई है, GoPro ऊपर भी गीला हो गया, रिस्क ले रहा हूँ GoPro का तो मैं बहुत बड़ा। पूरी गीली सड़क है बहुत ज़्यादा, हमारी स्पीड भी काफ़ी कम हो गई है, कई जगह पत्थर गिरे हुए हैं, कई जगह जैसे पानी जम जाता है ऊपर से तो बर्फ़ के टुकड़े आके गिरे हैं नीचे, तो पड़े हुए रोड पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, अभी यहाँ बारिश नहीं है, अभी यहाँ स्नो गिर रही है। अभी ये देखो छोटा छोटा हाथ में गिरता दिखेगा, अगर दिख रहा हो तो ऐसे दिखेगा नहीं, बढ़िया। देखो मेरे बैग के ऊपर देखो, टांग में वाइट वाइट, ये सारी स्नो फ्लेक्स हैं भाई साहब, स्नोफॉल। चले मेरे हाथ के आगे 2 मिनट बैठ जाओ।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पू, ऑलमोस्ट 11:30-11:30 टाइम हो रहा है। यहाँ बस ये आर्मी कैंटीन है पीछे, यहाँ पे चाय वाय बनवाई, समोसे बनवाए और यहाँ स्नोफॉल हो रही है, आपको दिख रही होगी गिरती हुई। और भाई साहब नज़ारे देखो भाई पीछे के, एक नंबर। देखो इसकी ब्लैक जैकेट है ना, यहाँ दिखेगी स्नोफॉल अच्छी, देखिए सर। जब पहुँच रहे हल्की हल्की स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी तेज़ हो गई है। और भाई ये खूबसूरत नज़ारे भाई पीछे के, एक नंबर। ठंड बहुत है ऑल दो, लेकिन भाई मज़ेदार, एक नंबर, बहुत मज़ेदार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो अब चालू हुई है असली स्नोफॉल। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर रहा होगा, बट बॉय ओ बॉय, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ दिखेगा ब्लैक ब्लैक एरिया में, भाई साहब खतरनाक खतरनाक वाली स्नोफॉल है। बट ठीक है, हम इसी के लिए तो आए हैं, यही एंजॉय करने आए हैं, बढ़िया लग रहा है। जहाँ हमने थोड़ा रुक के चाय वाय नाश्ता किया था, वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर आगे डुबलिंग का चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जो जो होता जाएगा आप लोगों को बताता रहूँगा, सो दैट अगर आप में से भी कोई प्लान कर रहा है। ओ, ये देखो यहाँ ब्लैक आइस है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ब्लैक आइस का, आप थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। भी कल तक सुबह तक हमें पता था कि हाँ, मतलब अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो वहीं पे ब्लैक आइस होगी, बट यहाँ तो ऐसा है स्नोफॉल हो रही है और कहीं हवा चल रही होगी तो वहाँ पे ब्लैक आइस जमी जाएगी। सो लेट्स बी मोर केयरफुल, मोर कॉशियस। अभी हम पहुँचने वाले हैं खाप, लगभग 2-2.5 किलोमीटर रह गया होगा, और यहाँ पे पिछले 2-3 किलोमीटर से कोई स्नोफॉल का निशान नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आसमान भी थोड़ा क्लियर है, मतलब ऐसे काले बादल नहीं है, बादल आगे दिख रहे हैं बट यहाँ पे नहीं है। और पहाड़ भी आप देख सकते हो, दोनों साइड पूरे ब्राउन ब्राउन है, यहाँ पे अभी तक स्नो पहुंची नहीं है, तो हो सकता है हम जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे तो पीछे से स्नो आती रहे। खाप में ही संगम पॉइंट भी है, जहाँ पे सतलुज रिवर और स्पीति रिवर मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वह पहुँचते हैं पॉइंट पे, फिर मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। ये है खाप संगम पॉइंट, वो आ रही है यहाँ से स्पीति रिवर, और ये आ रही है यहाँ से सतलुज रिवर, और दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं और आगे चले जाते हैं। बैंड बज गई है कंडी वाली, अरे रे 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 रे, बहुत फास्ट, अरे रुक नहीं रही।